क्या हो अगर आपकी लाइफ में ऐसा ही कुछ हो, मींस इलेक्ट्रिसिटी ना हो? कैन यू थिंक ऑफ अ लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? क्या आपने कभी सोचा है कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारी लाइफ कैसी होती है? हमारा फ़ोन चार्ज नहीं होगा, हमारा लैपटॉप चार्ज नहीं होगा, हम टीवी नहीं देख सकते विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, हम फैन से हवा नहीं खा सकते हैं, कूलर नहीं चल सकता है, एसी नहीं चल सकता है, कुछ भी नहीं चल सकता है। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इसकी बहुत सारी चीज़ें इसमें इसके अंदर आती हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक््ट्रिसिटी क्या होती है, आप कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी समथिंग दैट इज यूज टू चार्ज आवर मोबाइल फोन एंड ऑल एक्सेट्रा, तो ये सब चीज़ें आप कहोगे। बट एक तरीके की एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, और ये बहुत कन्वीनियंट एनर्जी है बिकॉज इट कैन बी स्टोर्ड ऑल्सो। ठीक है, जैसे आपने बैटरी वगैरह देखा होगा, इन्वर्टर वगैरह होता है, उसको हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत कन्वीनियंट होती है, इससे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूजेस होते हैं। तो धीरे धीरे करके देखेंगे हम सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है। तो आप नोट कीजिए चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका फिजिक्स में ह्यूमन आई के बाद का चैप्टर है। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज क्या होता है, व्हाट इज चार्ज, क्यू, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, चार्ज क्या है बेसिकली, इट इज बेसिकली आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन अ एटम। सपोज आपके पास एक एटम है, तो आपको पता है इसमें प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर बेसिकली चार्जेस। ओके, तो इट इज बेसिकली आ स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट इन एटम एंड इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन बी, आप साथ साथ इसको नोट करते भी जाइएगा। ठीक है, इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे हम प्रोटॉन, एज यू ऑल नो प्रोटॉन। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन। इजी है ये तो। ठीक है, द एसआई यूनिट इज ऑफ चार्ज इज कूलम, CULOMB, कूलम। ठीक है, और ये डिनोट किससे किया जाता है, कैपिटल सी से। ठीक है, ये आप नोट कीजिए। नाउ वी विल सी व्हाट इज नेट चार्ज। नेट चार्ज क्या होता है, नेट चार्ज सपोज एक बॉडी है कोई, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है। ठीक है, इरेगुलर बॉडी मैंने ली यहां पे, तो इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल चार्ज है क्यू। तो क्यू चार्ज बेसिकली कितना होता है इसके अंदर चार्ज, वो हम फाइंड करेंगे। सपोज में इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें बॉडी में, तो इलेक्ट्रॉन्स होते ही है ना, प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं, एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फॉर एग्जांपल इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट से इसमें एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल्स टू एन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन। एन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मल्टीप्लाई बाय वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया चार्ज का, क्यू इज इक्वल्स टू एन ई। अगर हमें फाइंड करना है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज तुमको दिया गया है क्यू की वैल्यू दे दी तुम्हें 1 कूलम, क्यू की वैल्यू दे दी 1 कूलम, यहाँ पे 1 कूलम दे दिया, और आपसे पूछा गया इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और आपको दिया होगा इसमें क्वेश्चन में E की वैल्यू है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये आपको दिया होगा। ठीक है, ये भी आपको दिया होगा, तो आप कैसे फाइंड करोगे इसको, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन ई, 1 upon 1.6 × 10⁻¹⁹ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एन आएगा 6 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
इतने 6×10⁸ इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैन यू इमेजिन, अगर इसके चार्ज क्या है 1, ठीक है, अगर इसका चार्ज मैं 2 कर दूं, इमेजिन अगर मैं चार्ज का क्या कर दूं, अगर देखो एक कूलम चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर, 6×10⁸। अगर इसका मैंने चार्ज डबल कर दिया तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, 12×10⁸ हो जाएगा। अगर मैं इसका चार्ज 3 कर दूं तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18×10⁸ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। आपको ये बात समझ आ रही है, ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखना, इसको आप नोट कीजिए। नाउ अगर इसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स क्या होते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। आपको ये टर्म सुन के थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स भी होते हैं सर? यस होते हैं। सबसे पहले देखेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरी होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जो मूविंग चार्जेस से बनती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, ये कह सकते हो चार्जेस आर इन मोशन। आपको क्लियर हो रहा होगा चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स को चार्ज बोलते हैं। चार्जेस अगर मोशन में है तो उसको बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगर चार्जेस जो हैं मोशन में नहीं है तो उसको बोलेंगे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसके एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, यू माइट हैव स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस, लाइक आप लोग स्केल से अपने हेयर्स में रब करते थे तो स्ट्रिप जोड़ी जो पेपर्स होते थे छोटे छोटे टुकड़े होते थे वो उसमें स्टिक हो जाते थे, या फिर बलून से आप लोग रफ करो तो स्टिक पेपर्स उसमें स्टिक हो जाएंगे। कभी भी देखा होगा आप टीवी के पास जाते हो, अगर आप टीवी 1-2 आवर्स चल रही है उसके बाद आप टीवी के पास जाओ, अपने ये हैंड वगैरह पास टच हो जाए तो आपके हेयर्स खड़े हो जाते एकदम से स्ट्रेट इरेक्ट हो जाएंगे। तो क्यों हो रहा है वैसा, वो हो रहा है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ठीक है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हमारी मूविंग चार्जेस की में होती है, जो वायर्स वगैरह में होती है वो चीज़ होती है, ठीक है। तो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है वो, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, लेफ्ट पेज में नोट करना। अब हम देखेंगे करंट क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट इज करंट, ठीक है। करंट क्या होता है, सपोज आपके पास एक वायर है, सपोज दिस इज वायर, लेट्स से कॉपर वायर आपके पास है और आपको पता है ये मेटल है, दिस इज बेसिकली मेटल, ठीक है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट इन मूविंग बेसिकली, वो फ्रीली अपने मेटल में एम्बेड है मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। सपोज तुमने इस वायर को वायर से किसी चीज से कनेक्ट कर दिया, स्विच में कनेक्ट कर दिया, ये तो क्या बन गया, ठीक है, स्विच में कनेक्ट कर दिया, दोनों इसमें प्लग लगा दिया तो इसमें करंट फ्लो करने लगेगा, यस और नो, यस। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मूव करने लगते हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। तो व्हाट इज करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, ठीक है। करंट का सिंबल होता है कैपिटल आई, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा सी नहीं होता है, ठीक है। सी तो यूनिट होती है चार्ज की यूनिट होती है सी, ठीक है, सिंबल इज आई। और इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू रेट, मतलब दिस इज नॉट मनी, रेट मीन्स नॉट मनी, रेट मीन्स टाइम से रिलेटेड बात हो रही है, जैसे कि
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 9th में, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये यहाँ पे क्या होगा, रेट से बात हो रही है, मतलब टाइम से रिलेटेड बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा चार्ज मतलब क्यू अपॉन टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ करंट, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर क्यू इज चार्ज, दिस इज बेसिकली चार्ज इन कूलाम, सी सी में होगा ये, और ये है टाइम सेकेंड में, और ये है आपका करंट इन, अभी मैं बताऊंगा इसकी यूनिट होती है एम्पियर, मैं अब इसके बाद बताऊंगा। इसको मैं इरेज कर दूं, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ करंट, तो इसकी यूनिट क्या बन जाएगी, आप यहां से देखो ये क्या बन जाएगी इसकी यूनिट, क्योंकि यूनिट क्या होती है कूलाम, और टाइम क्या होती है यूनिट सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड इसकी यूनिट बन गई, ठीक है। एक साइंटिस्ट थे एंड्री मैरी एम्पियर, एंड्री मैरी एम्पियर, ठीक है, इन्होंने अपने नेम पे इसकी यूनिट रखी थी, दैट इज एम्पियर, यही इसकी एसआई यूनिट होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ठीक है, एसआई यूनिट होती है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, ठीक है, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एसआई यूनिट करंट की क्या होती है, कैपिटल ए। अगेन आई एम टेलिंग व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, कैपिटल ए मींस एम्पियर, ओके, यू नोट डाउन दिस एंड दिस ऑल्सो। नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस इन माई माइंड कि वन एम्पियर क्या होता है, वट इज वन एम्पियर, वट इज वन एम्पियर। देखो करंट की यूनिट क्या होती है, सॉरी फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी, तो ये वन, दिस इज वॉट करंट इन एम्पियर, दिस इज वॉट चार्ज इन सी कूलम, दिस इज वॉट टाइम इन सेकेंड। तो ये वन कब आएगा, ये टर्म वन कब आएगा, जब क्यू क्या होगा वन होगा, टाइम क्या होगा वन होगा, तो वन अपॉन वन, तभी तो वन आएगा, तभी को कहेंगे वन एम्पियर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इट इज डिफाइंड एज वन कूलाम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन वन सेकेंड, फ्लोइंग इन वन सेकेंड मीन्स अगर एक वायर है उसमें अगर एक कूलाम चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकेंड के लिए, तो इसका करंट क्या होगा, वन एम्पियर, ठीक है। इसको अनमोट कीजिए आप, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे बेस्ड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन 10 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फ्लोस इन 5 सेकेंड, फ्लोस फॉर 5 सेकेंड। एक वायर है उसमें 10 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 5 सेकेंड के लिए, ठीक है, तो हमें करंट निकालना है, तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, क्यू कितना है, क्यू कितना है यहाँ पे 10 कूलम है ना, और टाइम कितना है 5, कितना आंसर आ गया 2, इजी 2 एम्पियर करंट है इसका, ठीक है। अगर हम वैल्यूज चेंज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, ठीक है, समझ आए आपको, अच्छी बात है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये आप थोड़ा समझिए।
सपोज आपके पास एक वायर है, एक वायर है आपके पास, ठीक है, और यहां पे चार्ज है क्यू, ए पॉइंट पे चार्ज है, ए एंड पे, यहां पे बी एंड है, तो इसमें करंट का फ्लो होगा जब ये चार्ज आगे मूव करेगा, इसमें करंट का फ्लो होगा जब ये चार्ज आगे मूव करेगा, डेफिनेटली मूव मोशन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, तो ये मूव करेगा आगे तभी तो करंट बनेगा ना, श्योर हो, ठीक है। सेकंड केस देखो, सपोज एक पाइप है, पाइप है इसमें पानी भरा हुआ है, वाटर है इसके अंदर, और इस वाटर को तुम्हें बाहर आउट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पंप लगा देंगे, हमने क्या करेंगे यहां पे पंप लगा दिया और ये पानी बाहर की तरफ फेंकेगा, पानी बाहर निकल आया, तो यहां पे पानी बाहर कैसे निकला, जब तुमने पंप लगाया, पंप ने कुछ ना कुछ किया होगा तो पानी बाहर निकला, ठीक है। अब ये चार्ज को आगे मूव कराना है तो क्या करोगे, करंट बनाना है, मतलब करंट बनाना है, तो हम इसमें हम बैटरी लगा दें, ऐसे करके बैटरी लगा दें अगर यहां पे, तो करंट हमारा बनेगा, तो चार्ज आगे मूव करेगा क्या बनेगा, करंट बनेगा, श्योर, ओके। अब देखो यहां पंप ने क्या किया, बेसिकली एक प्रेशर प्रोवाइड किया यहां पे, जिससे कि पानी आगे की तरफ मूव किया, इसने एक प्रेशर दिया ना, पंप ने प्रेशर लगाया, पानी का आगे बढ़ो, धक्का मारा, बढ़ो आगे, बढ़ो आगे, तो यहां क्या हुआ, बैटरी ने प्रेशर लगाया चार्ज पे, बोला आगे बढ़ो, ठीक है, तो यहां पे प्रेशर लगाया बैटरी ने, इलेक्ट्रिक प्रेशर, इलेक्ट्रिक प्रेशर, तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्या बोलते हैं इसको, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक प्रेशर बोला मैंने यहां पे, इसके केस में क्या बोलेंगे, प्रेशर नहीं बोलेंगे, ये कोई पंप नहीं है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोवाइड कराएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इसकी डेफिनेशन अभी मैं लिखाऊंगा। तो देखो यहां पे इसको मैं इरेज कर देता हूं तो समझ आ गया होगा, देखो चार्ज बेसिकली यहां से यहां मूव हुआ, चार्ज यहां से यहां मूव किया, तो यहां से यहां ले जाने के लिए इस बैटरी ने कुछ काम किया होगा चार्ज के ऊपर, द वर्क इज डन ओवर दिस चार्ज टू मूव इट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। भाई तुम एक घर में हो, यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, इसको पुश करेंगे आगे की तरफ तभी तो वर्क करना पड़ेगा ना, इसको आगे मूव कराने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस पी डी इज बेसिकली वॉट, वर्क अपॉन, जो काम किया किसने किया, काम बैटरी ने काम किया, किसके ऊपर काम किया, चार्ज के ऊपर, तो इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है मोस्ट फेमस, आप लोग सबको पता होगा, वोल्टेज, यही हमारा वोल्टेज होता है। अब आपको समझ आया करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, बेसिकली एक वायर है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स अगर आगे मूव कर रहे हैं उसको बोलेंगे करंट, ठीक है। उस चार्ज को ले जाने के लिए, आगे की तरफ ले जाने के लिए किया गया काम अपॉन चार्ज इज द वोल्टेज, ठीक है। तो आप डेफिनेशन लिखिए इसकी, इट इज, डेफिनेशन लिखिए, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए किया गया काम ओवर अ चार्ज, ठीक है। तो यहां से इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या यूनिट हो जाएगी, जूल अपॉन कूलाम, चार्ज की कूलाम होती है, वर्क की जूल होती है,
3 यूनिट हो गई तुम्हारी किसकी पोटेंशियल डिफरेंस की। बट यहाँ पे भी एक थोड़ा सा साइंटिस्ट आए थे अपना कहानी बताने और उन्होंने अपने नाम पे ही, एक साइंटिस्ट थे एलेजेंड्रो वोल्टा, एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने कहा ये तो ठीक है अच्छी बात है फॉर्मूला से यूनिट आपने बना दी, लेकिन हम अपने नाम पे रखेंगे यूनिट एसआई यूनिट जो कि थी वोल्ट। तो वोल्टेज की यूनिट क्या होती है वोल्ट, ठीक है ठीक है इसको ध्यान रखना। जैसे आपके घर पे 220 220 वोल्टेज आता है, कभी 100 वोल्ट आता है, तो वो बेसिकली वोल्ट है, दैट इज बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो रही थोड़ी थोड़ी चीजें? ओके आप इसको नोट कीजिए। नाउ अगर मैं इसी में बोलूं आपसे कि व्हाट इज 1 वोल्ट, व्हाट इज 1 वोल्ट, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, 1 वोल्ट क्या होगा? तो 1 वोल्ट कब होगा? देखो ना फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, दिस इज बेसिकली व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्क, ये चार्ज। जब वर्क 1 होगा, चार्ज होगा 1, तभी तो 1 वोल्ट आएगा ना, तभी तो 1 वोल्ट आएगा। तो व्हेन यूनिट वर्क इज डन ओवर यूनिट चार्ज इट इज कॉल्ड 1 वोल्ट, ठीक है। जब यूनिट वर्क करना पड़े, मतलब 1 जूल काम करना पड़े 1 कूलम चार्ज पे, तो उसको हम बोलेंगे 1 वोल्ट, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग आ मूविंग अ चार्ज ऑफ 5 कूलम बाय अ बैटरी। बैटरी काम कौन करेगा? बैटरी तो करेगी, वहां पे देखो पंप जो था वो इलेक्ट्रिक प्रेशर प्रोवाइड करा रहा था, तो यहाँ पे काम कौन करेगा? हम थोड़ी काम करेंगे चार्ज करंट को आगे, इलेक्ट्रॉन को आगे ले जाने के लिए, वो तो बैटरी काम करेगी ना, बाय बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें वर्क निकालना है और वी दिया गया हमारा 12, ठीक है वोल्टेज है, ठीक है। और यहाँ पे हमें चार्ज कितना दिया गया है 5 कूलम। फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। तो वैल्यू पुट कर दिए 12 × 5, कितना आ गया 60 जूल। तो हमारी बैटरी जो है इतना वर्क करेगी चार्ज को आगे ले जाने के लिए। टाइम टू टाइम कितने इलेक्ट्रॉन्स को आगे, मतलब वर्क इतना सारा वर्क करना पड़ता है हमारी बैटरी को, तो टाइम के बाद कुछ टाइम के बैटरी डाउन भी हो जाती है क्योंकि उसकी एनर्जी लॉस हो रही है चार्ज को आगे ले जाने के लिए, तो ये बैटरी डाउन इसलिए होती है, ठीक है। वर्क कर रही है ना बैटरी, करंट बना रही है ना, वो चार्ज को आगे फ्लो करा रही है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। कमेंट करके बता दिया करो कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, ठीक है, जिससे मुझे की फीडबैक मिलता रहे। इसको आप नोट करो। इसके बाद हम देखेंगे वोल्ट मीटर और एमीटर क्या होता है। वोल्ट मीटर इट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब आपके घर पे कितना वोल्टेज आ रहा है, 200 आ रहा है, 300 आ रहा है, या 100, 50, 170, व्हाटएवर। देखो पिक्चर यहां बनी हुई है वोल्ट मीटर की। अब देखो एमीटर क्या होता है,
AMMETER, एमीटर, सेम इट इज अ इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर करंट, ये करंट मेजर करता है, डिवाइस है, ठीक है। देखो फोटो यहाँ बनी हुई है मीटर की, तो किसी वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो ये डिवाइस मेजर करती है। इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है, प्लस माइनस बार लगते हैं इसमें, इसका सिंबल होता है V, ऐसे करके, ठीक है। कहीं आप अगर ये देखो इट मीन्स दिस इज अ वोल्ट मीटर, कहीं आप अगर ये देखो इट मीन्स इट इज अ एमीटर, और ये क्या मेजर करेगा, करंट मेजर करेगा, ये क्या मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, ठीक है, नोट कीजिए। इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में यूज होते हैं, सर्किट डायग्राम वगैरह बनाने के लिए काफी यूज होंगे, तो कुछ सिंबल्स देख लो आप लोग। सबसे पहले देखो आप, जैसे कुछ इस तरीके से अगर बना हुआ है ऐसे बना हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे सेल। आपको कुछ बच्चों को पता भी होगा ये सब चीजें, इसको हम बोलते हैं प्लस, इसको माइनस, ये बड़ा वाला होता है इसको प्लस, छोटा वाला माइनस, ठीक है। जो करंट हमारा फ्लो होता है वो प्लस के से नेगेटिव जाता है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ करंट यहां आप कहीं साइड में लिख लीजिए, क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, इसकी अपोजिट। अगर हम ऐसी सेल्स को कॉम्बिनेशन में इस तरीके से लगा दें, तो यहाँ पे कितने सेल हो गए, एक दो तीन, थ्री सेल्स हो गए। दिस इज कॉल्ड बैटरी, ठीक है। इसके बाद की बात आती है, की अगर इस तरीके से ब्लैंक स्विच, इसको बोलते हैं स्विच, तो इसको बोलते हैं की। अगर इसमें डॉट नहीं बना हुआ है, कुछ भी डॉट नहीं है, तो उसको बोलेंगे ओपन की, ठीक है। मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं होगा। अगर बीच में डॉट बना हुआ है, डॉट बना हुआ है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम क्लोज की। कंफ्यूज नहीं होना है, मीन्स करंट फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो। थोड़ा कंफ्यूजन पार्ट है कि क्लोज है तो कैसे करंट फ्लो करेगा, बट इट इज अ फैक्ट, ठीक है। एक और सिंबल होता है बल्ब का, इस तरीके से बनता है, ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब का सिंबल ही होता है, ये आप नोट कीजिए सारा।